देखने वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से। आज बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में देवेंद्र सिंह नगरा एडवोकेट सिविल कोर्ट प्रयागराज द्वारा चार्ज लिया गया। वहीं उपाध्यक्ष नगरा द्वारा कहा गया कि बार काउंसिल के गलत शपथ पत्र के आधार पर किए गए समस्त पंजीकरण की जाँच कराई जाएगी तथा सही पाए जाने पर उनके पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नए पंजीकरण कराने आने वाले अभ्यर्थियों से शुल्क ऑनलाइन या एक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लिए जाने का निर्णय लिया गया था कि पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं नगरा ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के समस्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल बार काउंसिल में अब तक उपलब्ध कराएं ताकि समय पड़ने पर संबंधित सूचना अविलंब समस्त प्रदेश के अधिवक्ताओं के हितार्थ में भेजी जा सके। समस्त अध्यक्ष मंत्री एवं अध्यक्ष एडल्ट्स कमेटी बार एसोसिएशन के उपेक्षित हैं कि उनके जिले में तहसील में जो अधिवक्ता अपराधी किस्म के हैं तथा विधि व्यवसाय न करके अनियंत्रित किसी कार्य जैसे कि ठेकेदारी व्यवसाय या व्यापार में संलिप्त हैं उनकी सूची बार काउंसिल में उपलब्ध कराए ताकि उनके विरुद्ध बार काउंसिल द्वारा अनुसार कार्रवाई की जा सके ताकि जो अधिवक्ता की गरिमा गिरा रहे हैं उसे रोका जा सके। आए दिन हो रही अधिवक्ताओं की हत्या या मारपीट की घटनाएं सुनने को मिल रही है। ऐसे में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश से अनुरोध करती है कि अधिवक्ताओं के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब कमेटी बनाकर लागू कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मेरे कार्यकाल का आज से शुभारम्भ हुआ, मैं वाइस चेयरमैन यूपी बार काउंसिल हुआ, उसके बीच में मैं आपके बीच में आना उचित समझा, प्रेस वार्ता किया हूँ और प्रेस वार्ता से ये संदेश देना चाहता हूँ कि यूपी के बार अधिवक्ताओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिवक्ताओं के आड़ में अगर कोई अराजक तत्व है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुतायत फॉर्म जमा होते हैं उसमें डीडी ऑनलाइन हो और बार काउंसिल का चक्कर लगाने के बजाय वो कंप्यूटराइज और सिस्टम से हो और घर बैठे उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले। पहला कार्य हमारा यहीं से श्री गणेश होगा। आगे आप 6 महीने का कार्यकाल है, अब आगे आप देखते रहेंगे कि कैसे कार्य होता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब